They say secrets make you lonely, but I often wonder if the opposite is true, और शायद ये सच हो भी सकता है. After all, हम दोस्त बनाते कैसे हैं? हमारे दिल की सच्चाइयां, हमारी तकलीफें, जब हम किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तभी तो वो हमारे दोस्त बनते हैं. मेरे दिल की बातें, मेरे राज, आर्यन जानने लगा था. फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक वो पूरी तरह से मेरा दोस्त नहीं बना था. आर्यन और मैं दोनों दोस्ती और दुश्मनी के बीच के नो मैन्स लैंड में खड़े थे. वे द गेम वाज गोइंग टू गेट वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आर्यन, शायद तुम घबरा कर उठ जाओगी और सोचोगी कि मैं कोई गेम खेल कर चला गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. बल्कि टू मेक यू फील बेटर, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट और कॉफी बनाई है. होप यू लाइक इट. I am a trainee chef, you know. और हाँ, आज शाम 6 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा स्पेक्ट्रम कैफे में. मुझे लगा तुम नहीं आओगी. इतना रोमांटिक नोट पढ़ के कोई लड़की कैसे नहीं आ सकती. I see. So tell me, क्यों मिलना चाहते थे तुम? अभी नहीं बता सकता. Why? Damn. इसका मतलब हमें फॉलो किया जा रहा है. तुम्हें एक सरप्राइज जगह पे लेके जाना चाहता था पर टेल्स से पीछा छुड़ाना पड़ेगा. Exactly. पर उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि सच में हमारा पीछा किया जा रहा है या we're just being apprehensive. तो ऐसा करते हैं, किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चलते हैं. And why is that? क्योंकि एक के बाद एक रेस्टोरेंट सिर्फ दो किस्म के लोग बदलते हैं. पहले जो भूख से छुटकारा नहीं पाते और दूसरे जो पीछा करने वालों से छुटकारा नहीं पाते. Really, Alia? ये आजकल के पुलिस वालों को हुआ क्या है? ढंग से पीछा भी नहीं कर पाते. Well, I count 2 faces that have followed us here. Not bad at all. Learning from the best. खैर, अभी-अभी यहाँ पे आए हैं, तो उनको यहाँ से उठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. Let's go, quick. कहाँ? मैंने अपनी गाड़ी कार पार्क में पार्क की, back street पे. I'll see you there. Mukherjee, right? That's right. Wow, it's so cool to finally meet you. Thank you, babe, but that's really sweet of you. I like what you're wearing. Seriously? Thanks. Welcome. Would you like a souvenir from my side? Yeah, sure. I would really appreciate it. एक वीकेंड पे तो मैं कहीं लेके जाना चाहता हूँ. No police, no media, no games, no plotting. Show me. But. No questions, okay? We're going. लगता चकमा देके चले गए. गायब हो गए दोनों. मैं पता लगाता हूँ कहाँ गए. नहीं बात, ऐसा मत करना. वो जानते हैं हम उनका पीछा कर रहे हैं. We need to be careful here. और anyway, जब तक वो दोनों एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे के खिलाफ कुछ कर नहीं सकते. अजीब है, दोनों एक दूसरे से नफरत भी करते हैं और
एक दूसरे के साथ भी है? Twisted, Iqbal. Twisted. They're twisted people doing twisted things. क्यों कर रहा तुम ये सब? क्या सब? मेरी रातों की नींद की निगरानी करना, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना, मुझे यहाँ लेकर आना, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? मुझे कभी ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा वक्त भी आएगा जब मैं अपने गम भूल के दूसरों की खुशी के बारे में सोचना शुरू कर दूँ। और वो कोई दूसरा मैं हूँ। बहुत पहले जान गई थी मैं ये सब, लेकिन अब तुम्हारी बातों से लग रहा है कि ये दुश्मनी दुश्मनी नहीं रही। कभी दुश्मन थे ही नहीं आलिया, बस वो जो कुछ भी था वो प्यार। नो, जस्ट स्टॉप। ओके, नो, मुझे मुझे डर लगता है, मुझे इस वर्ड से भी डर लगता है, इस एहसास से डर लगता है। जस्ट स्टॉप। ओके, don't say this. Alia. No, stop. Please stop. Just stay. मुझे वापस लेके चलो यहाँ से. Just Aryan, I want to go from here. Okay. Listen. No. Listen. Just take me back. I want to go from here. जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। जिस्म के खेल में प्यार ना हो जाए कहीं, तुम पे अब हमको एतबार ना हो जाए कहीं। प्यार हो जाए ना, प्यार ना हो जाए जिस्म से जिस्म का अंदाजा लगा लेते हैं, पहले हम रूह का दरवाजा लगा लेते हैं। तुम्हें डर प्यार नाम के शब्द से नहीं लग रहा है? तुम्हें डर लगता है अपने आप से, और ये डर प्यार के होने का नहीं बल्कि प्यार के खोने का है। तो सिर्फ बस दो दिन दे दो मुझे इस प्यार को और अपने दिल को, और तुम्हारे सारे डर ना मिटा दिए, बहुत दूर चले जाएंगे एक दूसरे से हम दोनों। आई प्रॉमिस। वाओ डूड, are we going to dinner in a vintage car? बस यूं सोच लो कि जहाँ पे मैंने हमारी बुकिंग करवाई है ना, वहाँ पे हम तुम्हारी या मेरी गाड़ी में तो नहीं जा सकते। ये गाड़ी मेरे दोस्त तौफीक के गैराज में रहती है। जब भी मुझे किसी स्पेशल जगह पे जाना होता है तो मैं इसी में जाता हूँ। और वो स्पेशल जगह कौन सी है? बहुत स्पेशल। चलो तो। Oh, by the way. This dinner is on me, so you won't be needing this. Sounds fair. ये तौफिक कौन है और ये गाड़ी कौन सी है उसकी जो आर्यन यूज करता है? पता करो इकबाल, इमीडिएटली। ओके मैम। डिनर हियर
Aryan, are you serious? Alia, do you trust me? No. What you planning, Aryan? Relax. उसके अंदर से आवाज आ रही है, कौन है वहां पे? एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए। कौन ही है यार? खून किया है इसने। आर्यन स्टॉप इट, कौन है ये? किसका खून किया इसने? आलिया मुखर्जी का खून किया है इसने। वो आलिया जो एतबार करना जानती थी और प्यार करना चाहती थी, उस आलिया का खून किया है इसने। तुम इसे क्यों लाए हो? What's going on, Aryan? मैं यहाँ पे इसे कुछ हिसाब बराबर करने लाया हूँ, जो कई बरसों से तुम्हें पुकार रहा है। आलिया, याद हो तुम्हें? You bitch, you are one of the best fucks I had, आलिया। याद कैसे नहीं होगी तुम? ये जो तू अभी बोला ना, उसके लिए तेरे टट्टे काट के तेरे गले में घुसा सकता हूँ, मदर चोद। लेकिन आज आलिया का दिन है। हाथ बांध के हीरो बन रहे हैं। हाथ खोल। साले टट्टे किसके कटते हैं ना? मैं तुझे दिखाता हूँ। I'm pregnant. हम दोनों बालिग थे, जवान थे, जो किया अपनी मर्जी से किया, फिर अचानक ये बच्चा बच्चा क्या? तुम्हारी एक रात की कीमत। मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख दिया तूने, मेरे दिल को राख बना दिया तूने। कमाल करती हो आलिया, कमाल करती हो। मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए ना तुम्हें। सुना है बड़ी टफ औरत हो गई हो, अपने हर बॉयफ्रेंड को जान से मार देती हो। अब करेक्ट बोला तू, सिर्फ तू ही एक बॉयफ्रेंड है जो जिंदा बचा हुआ है, इसलिए ट्रैक रिकॉर्ड 100% रखने के लिए तुझे यहाँ पे लाए। आलिया, मार दो हरामजादे को। आलिया, पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका होगा तू। You fucking asshole. Sorry आलिया, I'm sorry. Please. आलिया, come on, चलाओ गोली, खत्म कर दो इसे। आलिया, just do it, end your fears, damn it. Aliyah, just shoot him, damn it! Just do it, end him. लगता है बच्चे के साथ साथ अपनी हिम्मत का भी ऑपरेशन करा के आ गई है। तुमने हरा दिया मेरे डर को आर्य। You think? Yes, I do. You were right. प्यार में होने से नहीं डरता दिल, प्यार को खोने से डरता है। और तुमने मेरे लिए जो आज किया ना, the way you made me feel, I feel safe. और ये बात मेरे से वो लड़की कह रही है जो मुझे किसी और के खून में फंसाना चाहती है। Exactly. प्यार तो कर लिया आलिया, लेकिन अब भरोसा कैसे करेंगे? और एतबार ही प्यार की बुनियाद होती है। यहाँ हम दोनों रिलैक्स, जो दिल प्यार करना सीख गया वो एतबार करना भी सीख जाएगा। एक्चुअली यू नो व्हाट? व्हाट? तुमने जो कुछ मेरे लिए आज किया है ना, इन रिटर्न अगर हमारे बीच ये जो गेम चल रहा है तुम उसे जीतना चाहते हो तो
मैं हारने के लिए तैयार. नो सीरियसली, इज द लीस्ट आई कुड डू फॉर यू आर्यन. तुमने आज मेरा भरोसा जीता है. तो इंसान मुझे मेरे अतीत की जेल से रिहाई देना चाहता हूँ, जो मुझे मेरे छिपे हुए दर्द से आजाद करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं ईट और पत्थर की जेल में जरूर जा सकती हूँ. नो आई वोंट माइंड, इट्स नो बिग डील. ये खेल जीतने के लिए मुझे तुम्हें हारना पड़ेगा आलिया, और ये मैं चाहता नहीं. तो क्यों ना हम एक समझौता कर ले, ना तुम जीते ना मैं हारी, प्यार जीता और हम दिल हारे, बात खत्म. राइट राइट, नो मोर प्लॉटिंग, ट्रैपिंग, लाइंग. ओके यस, शुड वी शेक हैंड्स टू लॉक द डील? एक्चुअली ना, आई हैव अ बेटर आईडिया. Oh my God, तीसरा खून तो नहीं हो गया कहीं? Shut up, Iqbal, and don't piss me off. Sorry, ma'am. ये कॉफी लीजिए और अपने दिमाग को शांत करिए. मजाक बना के रखा है इन लोगों ने. जब चाहे लोगों की जान ले लो और जब मन करे स्टॉप करके एक दूसरे की ले लो. Animals, fucking animals, that's what they are, Iqbal. ये खून खराबा एक खेल है उनके लिए. And now they're taking a bloody break. क्या पता मैम, ये ब्रेक भी कोई गेम हो. अलग होते फिर शुरू हो जाएंगे. नहीं, इस बार ये कोई गेम नहीं है. इस बार लगता है इन दोनों को प्यार हो गया. The perfect murderers are in fucking love. तो अब क्या? Now we bloody screwed. लेकिन मैम आपने कहा था कि ऐसे लोगों में प्यार ज्यादा इंतजार रहता नहीं है. तो क्या उनके अलग होने का इंतजार करें? नहीं नहीं, वो तो नहीं कर सकते. तो फिर क्या? मैंने कोई जोक भी तो नहीं किया. एक बार हम कितने बेवकूफ थे. हम उनके अलग होने का इंतजार क्यों करें? हम खुद ही उन्हें अलग कर सकते हैं. इकबाल, जिस रिश्ते की बुनियाद में भरोसा कम हो उसको तोड़ना बड़ा आसान है. लेकिन मैम इससे क्या हासिल होगा? मेरा मतलब है कि तुम मतलब मत ढूंढो यार, वो मैं कर लूंगी. तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि जब तुम आर्यन का पीछा कर रहे थे क्या तुमने कुछ देखा? एक मिनट, कुछ पिक्चर्स मैम. Anything interesting? Actually yes. Murder. वो राशि का मर्डर करना चाह रहा था शायद. लेकिन अब तो जैसा कि आपने कहा कि वो दोनों ब्रेक पे हैं, तो राशि फिलहाल सेफ है. राशि का खून होगा एक बार, जरूर होगा, लेकिन आर्यन नहीं, हम करेंगे. राशि का खून करके हम उन दोनों को अलग करेंगे. मैं आपको बता दूं कि हम दोनों पुलिस वाले हैं और वो दोनों खूनी हैं. हम खून नहीं कर सकते. हम सब कुछ कर सकते हैं.